सुना है कि बड़ा सस्ता हो गया, कोई फायदा हुआ है? हाँ, सब्सटेंशियल हुआ है जी। पहले एक ऑफिस के लिए एक दोस्त के किया था, उस वक्त कुछ 56 रुपए का मिला था। 56 रुपए का उस वक्त लिया था एक वाट। एक वाट ये रमजान से पहले की बात है, ठीक है। और अभी जो था वही 40 रुपए का, तो ये बड़ा एक सब्सटेंशियल फर्क तो पड़ गया। मुझे प्लेट्स के वाले से बता दें कि वो प्लेट पहले कितने की थी, आप कितने में? देखिए, हाइमोसिक्स जो थी पहले वो 56 रुपए की ली, अभी वही 40 रुपए की मिल रही है हाइमोसिक्स 580 वाट की। तो अभी अगर किसी बंदे ने कोई एसी शेसी चलाना है, जरा गर्मी में जा रहा है, बिल शिल कोई ना आए, एसी चलता रहे, तो क्या करे आप? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ पहले। नहीं, वो ऑफिस की सतह पे तो देखा हुआ है, मेरे ख्याल में अगर एक 4 kVA का लग जाए तो 1.5 टन का एसी चल जाता है। 4 kVA का सिस्टम, और 4 kVA का सिस्टम कितने में लग जाता है? 4 kVA का प्लेट्स की अगर बात करें तो प्लेट्स आपकी राउंड अबाउट कोई 1.5 लाख रुपए की प्लेट बन जाएगी, ठीक है। और उसके लिए आपको कोई जो वो लेना पड़ेगा इन्वर्टर, वो तकरीबन इतने का वही इन्वर्टर पड़ेगा, 2 लाख रुपए का बहुत अच्छा इन्वर्टर मिल जाएगा। तकरीबन 4 लाख रुपए के अंदर आप बेफिक्र हो सकते हैं 4 kVA का। और अगर आप उसके साथ इसको सेव भी करना चाह रहे हैं तो फिर क्या बैटरी चाहिए होंगी कि क्या? वो तो अगर आपने बैकअप लेना है रात के लिए तो फिर तो बैटरियाँ चाहिए। नॉर्मली लोग तो रात में इस्तेमाल करते हैं। रात में ऐसे में अब देखें, मैं बीइंग ए कंज्यूमर बात करूं तो बैटरी की एक कॉस्ट है जो कि बड़ी महंगी है। किसकी? बैटरी की बड़ी कॉस्ट महंगी है। अच्छा, तो जहरी सी बात है कि वो बैटरी ज़्यादा तो जो इस वक्त सूट कर रहे हैं ना, वो तो यही कर रहे हैं कि आप हाइब्रिड ले लें कि डायरेक्टली जो है वो सोलर पे चलाते रहे डे को, रात के लिए बैकअप पे एक दो बैटरियां ले। लेकिन आपको नहीं लगता कि ज़्यादा तो एनर्जी यूज ही रात के वक्त होती है? देखिए, गर्मी है, गर्मी है, दिन के वक्त भी आपको पता है एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, रात को फिर कदरे मौसम बेहतर हो जाते हैं, रात को चलना ज़रूर है। तो अभी आप क्या कौन सा सिस्टम लगवाने लगे? मैं तो अपने घर के लिए एक रूटीन का जो है ना वो 4.5-5 kVA का सोल्यूशन जो है वो ले रहा हूँ। और आपने क्या अपना बजट बनाया हुआ है? मैंने बजट यही रखा हुआ है कि 4-1 लाख रुपए में। 4-1 लाख। और आपका नॉर्मली अभी कितना बिल आ रहा है? बिल तो इस वक्त जो आ रहे अभी इस लास्ट मंथ का कोई आया 29,000 रुपया। और अभी एसी नहीं चल रहा? अभी एसी नहीं चल रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि 60,000 क्रॉस करेगा, जाएगा जो। और अगर आप ये लगवा लेते हैं तो फिर उम्मीद है कि बड़े 25,000 रुपए में इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे हम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं और कंज्यूमर से भी बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो कह रही थी कि हम मुफ्त बिजली दे सकते हैं या मुफ्त बिजली दिया करेंगे 300 यूनिट तक, तो आप ये क्यों नहीं करते कि जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी 200-250 जो यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम होते हैं, तो आप उनको ये प्लेट्स ही लगवा दें, आप उनको 3 kVA का सिस्टम लगा दें, या इससे भी कोई मुनासिब हो सकता है कि लोग बजाय कि वापडा पर इतना बर्डन डालें या इतना बोझ डालें, आप उन्हें ये जो प्लेट्स हैं ये करें, ये अच्छे रेट्स पे दें, या इस पर कोई कर्जा दें कि लोग ये लगवाएं ताकि हमारा आधा बर्डन जो है वो एनर्जी क्राइसिस का सोलर पैनल्स पे शिफ्ट हो सके। क्योंकि वापडा वाले तो मेरा नहीं ख्याल कि बिजली पूरा कर पाएंगे। दीगर, आप आपसे भी बातचीत करते हैं भाई। मीटर ही नहीं लगा रहे वापडा वाले, वापडा वाले ग्रीन मीटर ही नहीं लगा के देते। की कह रहे हो? वापडा वाले ग्रीन मीटर ही नहीं लगा के दे रहे। क्यों जी? ओ, पता नहीं चक्री लवाई जा रहे ने, कह रहे ने नहीं। अरे ग्रीन मीटर की होता भला? ग्रीन मीटर जरा अटैच होता अपना प्लेटा के नाल, जिदे नाल तुसी यूनिट वापस भेज दियो, वापस रिवर्स जाने ने जिदे नाल। ते ओ क्यों नहीं ला रहे? ओ फिर चक्री लवाई जा रहे ने, कह रहे ने जी अजे नहीं आए, मीटर ही नहीं हैगा, मीटर ही नहीं हैगा। वाकई मीटर नहीं है तुहाडे को? वैसे बिजली खरीदना ही नहीं जा रहे, पता नहीं होना, ते ओही जानदे ने अपना की वजह है, की गल है। और ये नाज़रीन, मैंने बहुत से बाप से पूछा कि ग्रीन मीटर नहीं मिल पा रहा। ग्रीन मीटर वो है जिससे आप अपने यूनिट वापडा को वापस भेज सकते हैं और फिर बवक्त ज़रूरत उनसे वापस ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कैश करवा सकते हैं। तुसी भी ग्रीन मीटर की दरख्वास्त दी है? हाँ जी। नहीं लग रहे? नहीं लग रहे। की आंदे ने? वो अज हो गए ना कोई 6 महीने। 6 महीने हो गए? चक्कर तो चक्कर ही लवाई जा रहे हैं, साड़ियाँ जुतियाँ टुट गई। ग्रीन मीटर किन्ने च लगता? ग्रीन 1,20,000 रुपया। आम मीटर किन्ने च लगता भला? ओ तो 15,000 ही लगता। 15,000 च ग्रीन मीटर बहुत महंगा लग रहा है। हाँ जी। लेकिन फिर भी नहीं ला रहे? नहीं। तुसी वो फीस जमा कराती है? हाँ जी। लें जी, इनके बिजली दें, ये वापडा को बिजली बेचना जा रहे हैं, खास तौर पर पंजाब हुकूमत को। क्यों जी? बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली काफ़ी है, हमने अच्छा जो है सिस्टम लगाया हुआ है, हम अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सिलसिला नहीं है कि हम किस तरह वापडा के हैंडओवर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जो ग्रीन मीटर की जो मसाइल चल रहे हैं, जो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो इस पर गौर करें कि मुझे लगता है जब जितने लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे सोलर एनर्जी पर, उतना वापडा पर बर्डन कम होगा।
सर यूट्यूब पे तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं कि सोलर पैनल मुफ्त हो गए हैं। जी वैसे ही है, मुफ्त वाला हिसाब है भाई, मुफ्त हो गए जी, मुफ्त वाला साहब। कितने के मुफ्त हुए हैं, हमने आना फिर आपने पैसे मांगने लगे। ये बड़ी प्लेट आपको मिलेगी 22,000 रुपए की, 22,000 की, 22,000 रुपए की, जो 36,000 की प्लेट थी 22,000 रुपए में आ गई। 36,000 की थी, मुझे लोग बता रहे हैं कि 70-80,000 रुपए की थी प्लेट। ये नहीं, ये इसी साल में 36,000 रुपए की थी ना, पिछले साल 70,000 रुपए की थी, जो इस बार आपको 22,000 रुपए में मिल जाएगी। 22,000 जी, एंड टैप बाई फिशर। मुझे आपने एक चीज बताना है, मैं लोगों के लिए लोगों के मसाइल का हल जान रहा हूं। जी जी, कम करें। बहुत से दोस्त साहब आप ऐसे हैं जो चाहते हैं एक एसी चल जाए जी जी, और एक मोटर चल जाए, वो बीच में चलनी होती है, और एक फ्रिज चल जाए। सर हम दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए में मुकम्मल पैकेज क्या क्या चलेगा? 2.5 लाख में फ्रिज चलेगी, एसी चलेगा, माइक्रो इस्त्री वगैरह चलेगी आपकी। 5 KV का सिस्टम लगा के दे रहे हैं 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए में? 2.5 लाख रुपए में लोग 3 KV हार रोड पे नहीं लगा के देगा हमारा, बिल्कुल अच्छा। 2.5 लाख में 5 KV का, 5 KV 3 KV का सिस्टम कितने में लगा रहे हैं? 3 KV का 1,80,000 रुपए में। 1,80,000 में 3 KV का? 3 KV में आपके फ्रिज चलेगी, घर के पंखे वगैरह चलेगा, एसी नहीं चलता, एसी नहीं चलेगा। 3 KV में एसी? 3 में नहीं चलता, लोग कह रहे हैं 3 KV में एसी चलेगा, वो झूठ बोलते हैं भाई। 5 KV जरूरी है में चलता है, और 5 KV का जरूरी नहीं है, खाली एसी चला हो, एसी के साथ दूसरा लोड भी चलता है। हाँ। अब वो 3 KV पे बिल्कुल सारा कुछ जीरो बंद करके सिर्फ एसी चलाओगे पेट में, 2.5 लाख रुपए में शेयरिंग के साथ, 2.5 लाख रुपए में 3 KV, 5 KV का जी, 5 जिसमें एक एसी, एक फ्रिज, फ्रिज चलेगी, एक मोटर, पंखे वगैरह चलेंगे। और इसमें कितनी प्लेट लगेंगी 5 KV में? 6 प्लेटें लगेंगी। 6 प्लेटें, 6 प्लेटें। और साथ क्या लगता है? साथ इन्वर्टर लगेगा, ब्रैकेट फैब ब्रैकेट लगेंगे, सोलर स्टैंड लगेंगे, लड़का फिटिंग करके, अगर रक्षे का किराया करके आने जाने का, सब फिटिंग भी सारा मुकम्मल, सारा कुछ करके 2.5 लाख मुकम्मल फिट करके ऑन करके देगा। 2.5 लाख रुपए में आपका बिजली का बिल सिफर? यही काम 7.5 लाख रुपए था जो 2.5 लाख में आ गया, 7.5 लाख का काम 2.5 लाख में आ गया। अच्छा नहीं, तुम मैं दसो, 2.5 लाख रुपए जी बिजली का बिल सिफर जी, एसी भी चलेगा, एसी भी चलेगा, मोटर भी चलेगी, मोटर चलेगी, फ्रिज भी चलेगी, ते बिल सिफर, बिल सिफर, सारा कुछ चलेगा। पंखे तो पहले फर्स्ट पे आते हैं ना, पंखे तो चलेंगे, बिल कोई नहीं आएगा जी इंशाल्लाह। नहीं बिल फिर भी कुछ ना कुछ बिल कुछ नाइट के लिए तो आएगा ना, डे डे नहीं, अगर मैंने नाइट का भी कुछ हिसाब किताब लगाना है, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि रात को ही सोना होता है, सुकून तो रात को ही करना है, रात का क्या डे नाइट वाला सीन है, डे नाइट वाला सीन क्या करना है उसमें? उसमें फिर हमारे पास डे नाइट वाला है, उसमें फिर नाइट वाला जो है ना उसके साथ बैटरियां वगैरह लगेंगी। बैटरीज कितने की लग जाती है जरा? बैटरी 2, अगर मैं चाह रहा हूँ रात को भी एसी चलता रहे, वो 2 लाख रुपए की बैटरी है, ये वाला जो सिस्टम 2.5 लाख वाला, ये 3.5 लाख रुपए में जाएगा, क्योंकि बैटरी वाला कंट्रोल इन्वर्टर लगेगा उसके साथ। अच्छा, ये चीज़ है तो फिर वो 3.5 लाख में हो जाएगा जी भाई, और बैटरी साथ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी भाई। ग्रीन मीटर क्या? ग्रीन मीटर लगता है जो वाटा को शेयरिंग देता है, दिन के टाइम वाटा लगे तो हां, दिन के 2.5 लाख वाले सिस्टम के साथ अगर ग्रीन मीटर लग जाए, 2.5 के नहीं वो 4 लाख वाले के साथ लगेगा, 4 लाख के साथ ग्रीन मीटर लगेगा जी, ग्रीन मीटर लगता लगेगा जी, ग्रीन मीटर लगेगा। उसमें क्या होता है ग्रीन मीटर में? ये है कि दिन को आप वाटा को दे दो, शाम को वाटा वाले से ले लो, ठीक है, ये चीज है। अभी मुझे बताएं, एक तो अगर मैं अभी लेने आया हूं, फर्ज करें मैं ये आपसे लेने आया हूं, मुझे आते ही इसमें क्या क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? क्वालिटीज की चेक करते हैं, हां क्या इसकी क्या क्वालिटी की, क्या इसके ऊपर शीशा वीशा भी लगा होता है, ग्लास वगैरह लगा जी? ये क्या कह रहे हैं आप? ये लॉन्जी हेमो 7 है, टॉप कोन में 565 मॉडल है। अच्छा, 565 वाट की है। और इसके ऊपर कोई वो ग्लास भी लगा हुआ है? ये डबल ग्लास होती है, डबल ग्लास, सिंगल ग्लास नहीं है जी। और इसकी कितनी वारंटी है? इसकी 10 साल की गारंटी है, वर्ल्ड एम्पेयर की, 25 साल लाइफ। और मतलब कि वारंटी किन किन हालात में क्लेम हो सकती है? इसे कुछ भी नहीं होता, अगर इन केस कुछ हो जाता है प्लेट को लेके हम मौके पे नहीं देंगे प्लेट, नई प्लेट दे देंगे, नई प्लेट आती है आपको जी, नॉर्मली आती है, सही है। आप उसको क्या क्लेम? नहीं, हमारे पास अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, हमें 8-10 साल हो गए काम करते, कोई कंप्लेन नहीं है इसमें अभी तक, कोई टेक्सचर भी लगने लगा। हाँ जी, मरियम नवाज साहब ने दे दिया है, सुबह का ऐलान कर दिया, वो कह रही है 1-5 किलो वाट पे 1000 रुपये किलो वाट पे पड़ेगा खर्चा, मतलब 1 किलो वाट पे 1000 रुपए खर्चा डाल रही है, 5 किलो वाट का जिनके घर में लगे हुए, हाँ 5000 रुपए ये टैक्स, ये तो कहते हैं कि टैक्स, ये तो ज्यादती है, ये तो सरासर ज्यादती है ना।